कॉम्पिटिटिव साइंस है। मैं इस वक्त दुबेबाला अड्डा में मौजूद हूँ। यहाँ सैलाबी रेले ने काफ़ी तबाही मचाई है और ये वो जगह है जहाँ कई इमारतें और मेडिकल स्टोर्स और फिशरीज और इस सारी एरिया मतलब मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है और यहाँ किसी किस्म का आपको कोई इमारत नज़र नहीं आएगी सिवाय एक दो इमारतों भी चलने के काबिल नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर खास करके बिजनौर के अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया और सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुए लोगों के, लोग सारे लोग औरत बच्चे बहुत सारे परेशान बैठे हुए, न राशन का कोई जरिया है, न दवाई का कोई जरिया है, सारे लोग परेशान बैठे हुए हैं। बुरा अगर दरबार हमत अगर तोजो दे आप हम अगर हम पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं हम अपनी तोजो फरमाएँ ताकि हम पक्षियों से बच सकें। हमारे तमाम रोडें खराब हुई हैं और दुकानें दबाव बर्बाद हुई हैं, इसकी वजह से हमारे खाने पीने की चीज़ें खत्म हुई हैं। इसलिए हम अच्छी अपील करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकें। सैलाब ने दोपहर में तबाही मचाई है, हमारे सड़कें पुलें दुकानें और पंचकियाँ जनरेटर्स तमाम कुछ तमाम चीज़ें सैलाब में बह गए हैं और फूड की यहाँ पे किल्लत है और फर्स्ट एड की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। 1 तारीख से शुरू होने वाले सैलाबी रैले ने तकरीबन 16 किलोमीटर तक रोड बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और यहाँ जो इलाकाई लोग हैं उनके लिए अशिया खुरदनोश का नहायत ही बहुत बड़ा मसला है। यहाँ तकरीबन 10 घंटे पैदल रास्ता करना पड़ता है जो कि 10 घंटे पैदल रास्ते के बाद वहाँ से राशन लेना भी मुश्किल होता है, इसलिए लोगों को अशिया खुरदनोश की बहुत ज़्यादा किल्लत है और यहाँ सेहत के हवाले से यहाँ मरीजों की कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए मरीजों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा मेरे तमाम जितने भी यानी हुकूमती वक़्त है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि फिल फोर यहाँ अशिया खुरदनोश और दवाएँ पहुँचाई जाए।